बनारस थाना क्षेत्र के पटोरा गुरुद्वारे के पास कंटेनर ने एक कार में टक्कर मार दी। कार सड़क किनारे झाड़ियों में पलट गई। कार में एडीपीओ, उसके पिता, पत्नी और दो बच्चे बैठे हुए थे। सभी कोलारस से शिवपुरी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार कोलारस न्यायालय में पदस्थ डीपीओ सुनील त्रिपाठी अपनी पत्नी वर्षा त्रिपाठी, पिता एमएल त्रिपाठी और दो बेटे आदित्य आरव के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में शिवपुरी आ रहे थे। इस दौरान कोलारस थाना क्षेत्र के पडोरा गुरुद्वारे निकलते ही पुलिया के पास एक कंटेनर के चालक ने ओवरटेक करते हुए एसडीपीओ की कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद कार कई गुलाटी खाते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में पलट गई। एक अपने यहाँ पे कोलारस कोर्ट में पदस्थ हैं एडीपीओ में डॉक्टर सॉरी मिस्टर सुनील त्रिपाठी जी, तो फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे तो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें तो नहीं है, हल्की फुल्की कुछ चोटें हैं जिनका उपचार जारी है, आगे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।